हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बेस्ट बुक फॉर लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर यानी कि पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए कौन कौन सी बुक सुटेबल रहेगी, इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बनाया हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट हैं हमारे ल्यू एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जो UK SSSC ने कहा है कि तीन सब्जेक्ट से ही इसमें फॉर्म भरे जाएंगे और इन्हीं सब्जेक्ट से क्या होगा, सिलेबस बनेगा। देखिएगा, फर्स्ट हमारा एनिमल हस्बेंड्री और सेकंड एग्रीकल्चर साइंस और थर्ड हमारा जूलॉजी, यानी कि जूलॉजी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन तीन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो मैं इनके लिए बुक प्रिफेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2013-2015 का एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे मालूम है कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2015 में मैं इसमें सिलेक्शन पाया हूँ। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए, ये टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के नाम से आती है, और जी सी बनर्जी इसका क्या राइटर है। सेकंड हमारा वेटरस्कैन है, डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और डॉक्टर संगीता, ये दो इनके राइटर है। ठीक है, दो बुक मैं स्पेशली आपको प्रिफेयर करूँगा कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए। और सेकंड हम चलते हैं एग्रीकल्चर साइंस। तो एग्रीकल्चर साइंस के लिए प्रतियोगिता दर्पण एक पत्रिका आती है हिंदी की, जो कृषि विज्ञान के नाम से आती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या एक बेस होता है एग्रीकल्चर साइंस। जितने भी हमारे स्टूडेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड है, उन्हें मालूम है कि हमारा एक यानी कि हमारी मुट्ठी में, यानी जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं, इसको पूरे कंप्लीट रूप से पढ़ते हैं। तो देन हम अगर सेकंड बात करते हैं, परीक्षा वाणी कृषि एवं प्रौद्योगिकी के नाम से मार्केट में आती है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन इसमें रिलेटेड है, तो आप इनमें से कोई भी एक बुक खरीद सकते हैं और एक बुक से आपको एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जो मैं बात करूँगा, इनमें से अगर एक कंप्लीट होने के बाद आप क्या आ सकते हैं, नेमराज सुंडा में। देखिएगा, ये जो बुक का नाम है अ कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, इस बुक से आती है। अभी मैं आपको इनके पिक्चर भी डायग्राम भी दिखा दूँगा कौन कौन सी बुक है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे, अगर हमारा ये दोनों बेसिक कम्प्लीट हो जाएगा, देन हम नेमराज सुंडा की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जूलॉजी के लिए चलते हैं। तो जूलॉजी के लिए फ्रेंड्स, यानी कि सिविल सर्विसेज की बुक आती है यूनिक पब्लिकेशन का, तो उसमें साइंस जो पार्ट होता है, उस साइंस पार्ट से ही हम उसको कवर करेंगे। साइंस पर काफ़ी क्वेश्चन आए थे 2015 में यूनिक पब्लिकेशन, क्योंकि मेरे पास ये बुक थी तो मैंने इसी से ही तैयारी की थी। तो फ्रेंड्स, यूनिक पब्लिकेशन का साइंस पार्ट आप खरीद सकते हैं। सेकेंड हम खरीदेंगे परीक्षा वाणी, क्योंकि ये बेसिक है, परीक्षा वाणी आती है साइंस के लिए, तो आप इसको भी खरीद सकते हैं। थर्ड बुक मैं प्रीफर करूँगा NCERT 11th 12th साइंस के लिए। ठीक है, NCERT की बुक होगी 11th 12th की, वो आप खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इनका डायग्राम दिखा सकता हूँ, और जितने भी बुक है सब ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट मिल जाएगी, अमेजन पर मिल जाएगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम बुक के नाम। तो देखिएगा, जो हम ये सेकेंड बुक है इसका वेट स्कैन, मेडिस्किन का, डॉक्टर अमित कुमार शर्मा एंड डॉक्टर संगीता। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के पेपर है, और किसके लिए, PG फॉर GRF ARS ICAR और देन IAS स्टेट, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये सुटेबल होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि LEO के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी बेनिफिट रहेगी। ठीक है, अब कौन कौन से टॉपिक इसमें ज़्यादा पूछे जाएंगे, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल तो बुक के लिए आपको प्रिफेयर कर रहा हूँ, आपको बुक कौन कौन सी खरीदनी है। देन चलते हैं नेक्स्ट के लिए, ये आपकी एनिमल हस्बेंड्री की है, जो मैंने अभी बताया GC बनर्जी की है, 8th एडिशन आ चुका है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये दोनों हमारे किसके लिए, EH के लिए बुक हो जाएगी। अब चलते हैं फ्रेंड्स एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर का देखिएगा, ये इसका फ्रंट पेज है कृषि विज्ञान से। ठीक है, इसको आप मार्केट से खरीद सकते हैं या ई बुक के रूप में भी मार्केट से खरीद सकते हैं। ये तीनों बुक आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगी, दो बुक तो लगभग सेम आती है, लेकिन सेकंड जो हमारा जो इसमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं, ये परीक्षा, अब ये बुक है नेमराज अ कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, अगर आप दोनों बुक अब कंप्लीट कर लेंगे तो देन ये बुक आप को ख़रीद लीजिएगा, और नेमराज सुंडा इसका राइटर है। चलते हैं नेक्स्ट, ये सामान्य अध्ययन की, देखो यूनिक पब्लिकेशन की है, ये तो सामान्य अध्ययन का जनरल स्टडी का, लेकिन इसमें क्या होगा, साइंस से लिखा होगा। ठीक है, जनरल साइंस की बुक आती है, इसका पार्ट है सिविल सर्विसेज के लिए, आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, यूनिक पब्लिकेशन न्यू दिल्ली का है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने आपको पांच
छः सात बुक आपको बताई है, तो आप इनको ज़रूर खरीदिएगा। और उन इन बुक से बिल्कुल भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनने वाला है, क्योंकि मैंने मुझे अपना खुद का एक एक्सपीरियंस है और एक तजुर्बा है पेपर का, ये पशुधन प्रसार अधिकारी का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसे लगी, और बुक को आप ऑनलाइन सर्च मार सकते हैं, और साथ ही साथ इसको ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं फ्लिपकार्ट में जाके, और साथ ही साथ अमेजन में भी मैंने कुछ सर्च मारा तो आप देख सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।